आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावों के नजदीक आते ही सभी पार्टियों के बीच सियासी जंग भी बढ़ गई है, जहां एक ओर सपा ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, तो वहीं अब इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान से यूपी की राजनीति में एक बार फिर जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। देखिए एक बार फिर किस तरह आगामी चुनावों में जिन्ना बना सियासी मुद्दा, देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल विकास को चुनावी मुद्दा बना रही है, तो वहीं जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक बार फिर संबित पात्रा के बयान से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि चुनाव से पहले जिन्ना और पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीते दिनों सपा अध्यक्ष ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सरदार पटेल को याद किया, लेकिन बखान भारत विभाजन के मुख्य सूत्रधार और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का कर बैठे। अखिलेश यादव ने भारत की आजादी में जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए उन्हें महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बराबर का महापुरुष बता डाला। जबकि अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके, आगे अखिलेश ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की भी वही विचारधारा थी जो गांधी और सरदार की थी। अभी अखिलेश का ये बयान वायरल ही हुआ था कि इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी और हर तरफ से अखिलेश के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश का वो बयान, जिसके बाद से ही अखिलेश सभी पार्टियों के निशाने पर आ गए थे। जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए थे, एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई, उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिसपे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लोग और सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। सुना आपने किस तरह अखिलेश ने जिन्ना की तुलना देश के राष्ट्रपिता से की थी। जिन्ना विवाद के बाद पाकिस्तान पर अखिलेश यादव के बयान ने यूपी के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया था, वहीं अब अखिलेश के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को देश का दुश्मन नहीं मानते हैं। पात्रा दरअसल अखिलेश के उस बयान पर पलटवार कर रहे हैं, जिसमें सपा सुप्रीमो ने कहा कि पाकिस्तान का दुश्मन भारत नहीं है। आगे संबित पात्रा ने कहा, जिन्ना से जो प्रेम करे वो पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है, जबकि अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन संबित पात्रा यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार।
जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। ये बयान उसी पार्टी के प्रवक्ता का है जो आगामी चुनाव में जीत की दावेदारी ठोक रही है। लेकिन पात्रा यही नहीं रुके, आगे पात्रा ने कहा कि अभी तक उन्होंने समाजवादी पार्टी की लिस्ट तक नहीं देखी है क्योंकि वो गुंडे बदमाशों को टिकट दे चुके हैं, इसलिए उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर उनका बस चलता तो वो नाहिद हसन के साथ याकूब मेमन को भी चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाते। वो तो याकूब मेमन को पहले ही फांसी लग चुकी है, वरना अखिलेश यादव उसे भी स्टार प्रचारक के रूप में चुनावी मैदान में उतार देते। वो इससे भी नहीं झुकते। वहीं ओवैसी मामले पर पात्रा ने कहा कि भाजपा की किसी के साथ टक्कर है तो वो है माफियावाद। इस प्रकार के असामाजिक तत्व से कोई टक्कर नहीं है। वो कहते हैं ना कि दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, जिसको जीतने के लिए सभी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। यही वजह है यूपी के चुनाव में धर्म जाति के बाद अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक विकास और अन्य मुद्दों के उलट राजनीतिक पार्टियां जिन्ना और पाक के बल पर जनता को लुभाने का काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी में राजनीति चरम पर है, जुबानी जंग चल रही है। वहीं देश के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना भी होनी है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना के चलते भले ही इलेक्शन कमीशन ने रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी है, लेकिन जीतने का जुनून सभी पार्टियों में इतना है कि इलेक्शन कमीशन के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है और लगातार ईसी को शिकायतें पत्र भी सौंपे जा रहे हैं। देखिए प्राइम टीवी की ये खास रिपोर्ट। सुना आप सभी ने, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हो रहे चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने रैलियां रोड शो पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन डोर टू डोर कैंपेन के लिए आयोग ने कुछ लोगों को शिरकत करने की इजाजत दी थी। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो रही हैं। फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां लगातार कोरोना प्रोटोकॉल और इलेक्शन कमीशन के आदेशों का पलीता कर रहे हैं, जिसको लेकर पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत पत्र सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई है। सपा की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अमित शाह और उनके समर्थकों ने कैराना में शनिवार को घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पर्चे बांटते और जनसंपर्क करते हुए खुलेआम कोरोना नियमों को तोड़ा है। ये वही वीडियो है जिसको लेकर भाजपा सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इस संबंध में शिकायत की गई है। सपा के राष्ट्रीय सचिव की ओर से मांग की गई है कि चुनाव आयोग ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई करे और चिट्ठी में लिखा गया है कि कई भाजपा के उम्मीदवार और कार्यकर्ता शामली में कैराना सहित कई विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता और कोरोना की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आरोप है कि भाजपा उम्मीदवार और कार्यकर्ता 10 से ज्यादा की संख्या में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सपा का कहना है कि ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है, इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। बता दें कि कैराना में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहां के पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को टिकट दिया है। यहां से सपा ने नाहिद हसन को टिकट दिया है। वही सपा नेताओं ने अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों के साथ अब मीडिया के खिलाफ भी शिकायत की है। जी हां, मीडिया वही है जो देश का चौथा स्तंभ कहलाता है, लेकिन अब वो भी सपा के आंखों में खटक रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों टीवी न्यूज चैनलों पर ओपनिंग पोल की भरमार है। न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपनिंग पोल का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। इसकी शिकायत को लेकर भी सपा चुनाव आयोग पहुंची है। पार्टी ने चुनाव आयोग से न्यूज चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपनिंग पोल पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा है कि इससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर समाचार चैनलों की ओर से दिखाए जा रहे जनमत सर्वेक्षण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले टीवी चैनलों पर लगातार सर्वे दिखाए जा रहे हैं। दरअसल सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कही जा रही है। हालांकि सर्वे में सपा को भी मजबूत पार्टी की तरह दिखाया जा रहा है। सपा ने चुनाव से इस तरह के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग ने मांग की है कि यूपी में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए ओपनिंग पोल पर तुरंत रोक लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने 8 फरवरी को किया। 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में वोट पड़ने हैं, जबकि 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी में 7 चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होना है, जबकि साल 2017 में 70वीं विधानसभा के लिए 403 सीटों पर चुनाव 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक 7 चरणों में हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर पहली बार यूपी विधानसभा में 3/4 बहुमत हासिल किया था। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 54 सीटें जीत सका। इसके अलावा प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती की बीएसपी 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच माना जा रहा है। जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और 2022 चुनाव जीतने के लिए कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है। फिर चाहे राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि अमित शाह के इस कार्यक्रम में जुटी भीड़ पर ईसी क्या एक्शन लेती है और कितनी जल्दी कार्यवाही होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।